हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू इंडिया बायोलॉजी आई एम मनीष मेवाड़ा सो फ्रेंड्स एज अर वी स्टार्टेड चैप्टर वन यूनिट सिक्स चैप्टर वन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म लेट्स स्टार्ट विथ न्यू टॉपिक इट इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पार्ट वन तो फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में एज अ हमने ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शक्शन के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है फ्रेंड्स लाइक ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स पढ़ लिए हमने एंड आर्टिफिशियल ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इट मीन्स वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस के टाइप पढ़ लिए हमने सारा ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हमने डिटेल में जान लिया है तो फ्रेंड्स वी विल स्टडी अबाउट सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन डिटेल हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं तो फ्रेंड्स हमेशा की तरह मैं कहता हूँ आपको अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और बाजू में जो बेल बटन है नोटिफिकेशन का उसके ऊपर क्लिक कीजिएगा जिसकी वजह से आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और नीट के लिए आप अपडेट होते रहे तो फ्रेंड्स चलिए जानते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिटेल में तो फ्रेंड्स हमेशा कीजिए हमेशा की तरह लास्ट तक वीडियो देखना और बीच में आप नोटबुक में लिखते रहना जिसकी वजह से इन फ्यूचर आप पढ़ पाओ तो शुरुआत करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट आउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेफिनेशन तो इट इज द डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल थ्रू आउट द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमिट यहां पर मैंने लिखा है यहां पर मैंने बोला है डेवलपमेंट एक न्यू इंडिविजुअल का डेवलपमेंट होने के लिए क्या होता है यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर थ्रू आउट इन फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स गैमेट्स का फ्यूजन होता है फ्रेंड्स तो यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो फेजेस होते हैं कि कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके स्टेजेस होते हैं मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ तो यहाँ पर फिगर में आप देख सकते हो कि दो इंडिविजुअल होने चाहिए गैमेट्स होने चाहिए इट इज़ द मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने फीमेल का एक ड्रॉ किया है पिक्चर और मेल का एक ड्रॉ किया है पिक्चर तो द फर्स्ट फी फेज इज फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉयड सेल्स तो मेल के अंदर से मेल हैप्लॉयड सेल्स बनेगा और जो फीमेल है उसके अंदर से फीमेल uh, सेल्स uh, बनेगा इट इट इज द इट इज द फॉर्मेशन ऑफ गैमिट इट इज द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉयड सेल एंड इट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ गैमिटो तो यहां पर मैं लिख रहा हूं कि बाय गैमिटो बाय बाई क्या होगा गैमिट्स बनेंगे यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनेंगे सबसे पहला फेज ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सेकंड स्टेज इज द फर्टिलाइजेशन फीजन ऑफ द गैमेट्स यहाँ पर दोनों जो गैमेट हो मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों का फ्यूजन होगा और यहाँ पर बनेगा जायगॉड तो इट इज द सेकंड फेज थर्ड फेज इज द रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन ऑफ जायगोड तो पहले फ्रेंड्स क्या हुआ यहां पर मियोसिस हुआ जब गैमिट्स बने याद रखना फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब गैमिट्स बने तब मियोसिस होगा मियोसिस में फ्रेंड्स क्या होता है फ्रॉम वन सेल टू मेक अ फोर सेल तो यहां पर गैमिट्स में मियोसिस होता है बट जब ये गैमेट्स दोनों फ्यूज हो जाता है एंड जायगोट बनता है तब जायगोट के अंदर रिपीटेटिवली माइटोटिक डिवीजन होता है इट मींस यहां पर माइटोसिस होता है जायगोट के अंदर एंड टू फॉर्म अ एम्ब्रियो और उसके बाद फ्रेंड्स क्या बनता है एम्ब्रियो यहां पर देख रहे हैं आप एम्ब्रियो बनता है इट इज कॉल्ड एज एम्ब्रियो जीनेसिस तो एम्ब्रियो बनना यहाँ पर जायगोट में से एम्ब्रियो बनना इट इज कॉल्ड एज एम्ब्रियो जीनो जीनोसिस फ्रेंड्स याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है नीट के लिए तो हमने देखा दो Uh, दो वर्ड uh, हमें हमने जाने रहे इट मींस फॉर्मेशन ऑफ गैमेट एंड एम्ब्रियोजिनसिस इट मींस फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो तो यहां पर थर्ड स्टेज हमने देखा रिपीटेडली माइटिक माइटोटिक डिवीजन ऑफ जायगोट एंड फोर्थ स्टेज है जो होता है ग्रोथ मींस ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो ये जो एम्ब्रियो है जो बन गया है उसका ग्रोथ होता है एंड उसका भी डेवलपमेंट होता है और एक ह्यूमन बॉडी इंडिविजुअल बनता है तो इट इज़ द ऑल फोर स्टेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है मैंने आपको बताया उसमें दो अलग अलग के स्टेज होते हैं प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज जो यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूँ रेड से नीचे आप देख सकते हैं यहां पर प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज और दूसरा है पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेज मतलब आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियोजीनिस होता है उसके बाद ग्रोथ होता है इट इज कॉल्ड इज आफ्टर फर्टिलाइजेशन स्टेज आप बोल सकते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर मैंने लिखे इट इज अ बायपेरेंटल मतलब दो पेरेंट यहाँ पर इन्वॉल्व है गैमिट्स आर फॉर्म्ड यहाँ पर गैमिट्स भी फॉर्म हो रहे हैं फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो रहा है इट इन्वॉल्व बोथ द मियोसिस एंड माइटोसिस मैंने बताया आपको मियोसिस जब इट इज फॉर्म गैमिट गैमिट्स तब होगा मियोसिस एंड एंड जायगोट के अंदर व्हेन इट डेवलप्ड इनटू द एम्ब्रियो वहां पर होगा माइटोसिस यहां पर मतलब कि एक में से दो सेल बनेंगे और बनते जाएंगे रिपीटेडली होगा माइटोसिस नेक्स्ट होगा डॉटर ऑर्गेनिजम्स जीनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट्स तो इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब जब भी न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा डॉटर जे जो बनेगा वो होगा डिफरेंट होगा पेरेंट से डिफरेंट होगा थोड़ा मतलब थोड़े से डिफरेंट होने बिकॉज पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो जेनेटिकली वेरिएशन थोड़ा सा आता है तो इट इज ऑल आर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको पूरा समझ में आ गया होगा व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसके स्टेज मैंने बताया उसके कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने भी आपको बताए नेक्स्ट हम जानते हैं कि प्लांट और जो एनिमल होते हैं उसकी सेक्सुअलिटी क्या होती है वो कैसे अलग अलग आ, मतलब इंडिविजुअल पैदा करते हैं और उनके अंदर कैसे सेक्सुअलिटी होती है वो अलग थोड़ा सा टॉपिक है लाइक उसके अंदर लाइक like एक प्लांट होता है वो कैसे उनके अंदर फीमेल और मेल ऑर्गे ऑर्गन्स होते हैं वे वो हमें जानना है अभी तो नेक्स्ट हम बात करेंगे सेक्सुअलिटी इन प्लांट तो सबसे पहले आपको बता दूं कि प्लांट के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज फ्लावर तो क्या होता है फ्लावर होता है तो हम थोड़े से सेक्सुअलिटी इन प्लांट के अंदर थोड़ी सी तीन चार टाइप में आपको बताने वाला हूं तो वन फ्लावर हम तो मतलब इन दिस प्लांट इज नोन एज अक्सुअल फ्लावर जो, जो भी फ्लावर के अंदर दोनों बूथ मतलब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होंगे उसको बोलेंगे हम बायसेक्सुअल फ्लावर एग्जाम्पल हिबिस्कस एंड चाइना रोजेज एग्जाम्पल है उसके हिबिस्कस एंड चाइना चाइना रोजेज इफ और ये, ये होगा हमारा फर्स्ट टाइप सेकंड की बात करें तो सेकंड की बात करें इफ वन फ्लावर हैजनली मेल रिपोक्टिव पार्ट मतलब कोई, आ, कोई प्लांट है उसके अंदर वो एक फ्लावर है और फ्लावर के अंदर ओनली मेल रिपोर्टिव पार्ट है लेक्स like टेमेन है तो उसको बोलेंगे स्टेमिनिट फ्लावर तो वो है मेल रिपोर्टिव पार्ट और ओनली फीमेल रिपोर्डक्टिव ऑर्गन Uh, अगर किसी के पास फीमेल रिप्रोडक्टिव अकेला है इट इज़ कॉल्ड द पिस्टिलेट फ्लावर लाइक मैं फिर से बता रहा हूँ कि सपोज ये दो यहाँ पर मैं फ्लावर ड्रो कर रहा हूँ एक फ्लावर है कि जिसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है लाइक like, यहाँ पर है स्टिमेन और दूसरा एक है जो यहाँ पर है उसके पास है uh, पिस्टिल तो यहां पर मैं ड्रो कर रहा हूं पिस्टिल तो दोनों ये दोनों फ्लावर क्या कहलाएंगे इट इज़ अ यूनिसेक्सुअल फ्लावर और ये जो फ्लावर होते यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं वो होते हैं डायोसिस प्लांट के अंदर उसके बारे में भी आगे आपको बताने वाला हूँ तो पहला जो फ्लावर था वो था बाइसेक्सुअल फ्लावर जिसके अंदर मैं यहाँ पर ड्रो करा ऊपर ये बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर क्या होता है कि दोनों स्टीमेन एंड पिस्टल दोनों अंदर मौजूद होते हैं देर आर टू रिपोर्डक्टिव ऑर्गन फाउंड इन वन ओनली फ्लावर तो यहां पर आप देख सकते हो इट इज अ बायसेक्सुअल फ्लावर उसके एग्जाम्पल हैोजिस एंड इफ द वन फ्लावर इज ओनली मेल और ओनली फीमेल इट इज कॉल्ड एज अ यूनि सेक्सुअल फ्लावर पिस्टिलेट फ्लावर और स्टेमिनिट फ्लावर तो उसको अलग से हम बोलेंगे ऐसे ही ये हमने बात की फ्लावर के बारे में सेक्सुअलिटी के बारे में नेक्स्ट बात करते प्लांट के बारे में इफ वन प्लांट हैविंग अ बूथ सेक्स ऑर्गन्स दिस प्लांट नोन एज अ मोनोशियस प्लांट एग्जाम्पल मेज कोकोनट इट मीन्स यहाँ पर कुछ अलग सा मैं कहने वाला हूँ यहाँ पर बता रहा हूँ कि एक प्लांट है और प्लांट के अंदर ये दोनों ये दोनों फ्लावर मौजूद है प्लांट के अंदर भले ही अलग अलग हो फ्लावर के अंदर सेक्सुअल पार्ट अलग अलग हो पर दोनों ही एक ही प्लांट के अंदर मौजूद हो तो उसे बोलते हैं मोनोसियस प्लांट याद रखना मेज उसका है। उसका है है एंड वन प्लांट हैविंग ओनली मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन सच प्लांट नोन एज ए डायोसियस प्लांट मतलब कि क्या होता है कि ये डिफरेंट अलग अलग होते हैं लाइक मैं यहां पर फिर से ड्रॉ करके बता रहा हूं आपको कि एक अलग अलग सपोज ये मेल प्लांट है और ये फीमेल प्लांट है तो मेल प्लांट के अंदर होगा ओनली मेल फ्लावर और फीमेल प्लांट के अंदर होगा ओनली फीमेल फ्लावर फिर से बता रहा हूं मेल प्लांट के अंदर होगा ओनली मेल फ्लावर और फीमेल प्लांट के अंदर होगा ओनली फीमेल फ्लावर तो ऐसे में पान में देखने को मिलता है इट इज कॉल्ड एज अ डायोसिस प्लांट फिर से बता रहा हूं वन प्लांट हैविंग ओनली मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन सच प्लांट नोन एज अ डायोसिस प्लांट और मोनोसिस किसे कहते हैं फिर से तो बता रहा हूं वन प्लांट हैविंग बोथ सेक्स ऑर्गन मतलब कि ये, ये मैं यहां पर मोनोसिस का भी ड्रो कर देता हूं यहां पर आपको पता चले एक ही प्लांट के अंदर दोनों फ्लावर होंगे आ, मतलब कि मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर तो उसको बोलेंगे मोनोशियस प्लांट तो ये हमने बात की सेक्सुअल सॉरी सेक्सुअलिटी इन प्लांट की तो नेक्स्ट बात करते हैं सेक्सुअलिटी इन एनिमल्स एनिमल्स के अंदर भी ऐसी सेक्सुअलिटी दिखती है तो सम लोअर एनिमल्स लाइक बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट सपोज किसी एनिमल्स के अंदर दोनों प्रेजेंट होते हैं मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन तो प्रेजेंट इन सेम इंडिविजुअल एक ही के अंदर होते हैं तो सच एनिमल्स आर कॉल्ड एज अर्मेफ्रोडाइट वो एक कॉमन वर्ड है मित्रों तो याद रखना बहुत ही बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है फ्रेंड्स तो हर्मेफ्रोडाइट जो एक वर्ड है बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है फ्रेंड्स ने उसको हम मोनोसियस भी बोल सकते हैं और बायसेक्सुअल भी बोल सकते हैं एग्जाम्पल टेप फेस्कोला अर्थ वार्म लीच आ, मैंने आपको चार एग्जाम्पल दिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है मोनुशियस एनिमल लाइक टेपफॉम और हार्मेफ्रोडाइट भी उसका कॉमन वर्ड है तो एक ही आ, एनिमल के अंदर दोनों दोनों पार्ट दिखेंगे फीमेल सेक्स ऑर्गन एंड मेल सेक्स ऑर्गन मोस्ट ऑफ एनिमल्स आर यूनिसेक्सुअल Uh, अलग अलग होते हैं जिसके अंदर उसको डायोसिस एनिमल्स भी बोलते हैं विद डिस्टिंग मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल एग्जाम्पल एस्केरिज कॉकरोच फ्रॉग लिजार्ड बर्ड्स मैमल्स के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स एक आ, मतलब एनिमल्स इंडिविजुअल होते हैं अलग अलग सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं उसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव मतलब कि मेल एनिमल होता है एंड जिसके पास फीमेल रिप्रोडक्टिव हो, होता है ऑर्गन वो फीमेल कहलाता है वो इंडिविजुअल अलग अलग सेक्सुअलिटी होती है फ्रेंड्स तो इट इज़ अ सेक्सुअलिटी इन एनिमल्स आपको पता चल गया होगा इजीली समझ में आ गया नेक्स्ट बात करते हैं हम कुछ अलग के प्लांट के अंदर ऐसा भी होता है हमने पहले लाइफ स्पान की बात किया हुआ है और यहाँ पर हम कुछ ये टॉपिक से अलग सा थोड़ा के, के एक एक एक्स्ट्रा मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ जो प्लांट है उसके दो अलग अलग टाइप उसके जो रिप्रोडक्टिव फेज है उससे दो टाइप पढ़ते हैं वो भी मैं आपको सेक्सुअलिटी के अंदर ही थोड़ा सा आता है इसलिए मैं यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा कुछ बताने वाला हूँ तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ मोनोकार्पो मोनोकार्पिक प्लांट के बारे में बात करता हूँ फिर से बता रहा हूँ मोनोकार्पिक प्लांट के बारे में बात करता हूँ तो दिस प्लांट फ्लावर्स ओनली वंस इन द लाइफ आफ्टर फ्लावरिंग दे प्रोड्यूस फ्रूट एंड डाई फ्रेंड्स मतलब क्या होता है कि प्लांट्स है वो फ्लावर यहाँ पर उनके ऊपर फ्लावर आते हैं वो लाइफ में एक ही बार आते हैं उसके बाद वो मतलब कि फ्लावर आने के बाद फ्रूट्स आते और और एक बार में ही वो डाई हो जाते हैं, मतलब मर जाते हैं और लाइक उसके एग्जाम्पल ऑल एन्यूअल जो क्रॉप प्लांट होते हैं एग्जाम्पल वीट और राइस लाइक विट के अंदर क्या होता है तो आ, वीट का जो लाइफ स्पान है सेवन टू एट मंथ का है उसके अंदर वो ग्रो भी होता है यंग जुवेनाल फेज में भी आता है एंड वो रिप्रोडक्शन भी करता है एंड डेथ हो जाता है उसका वीट का तो ये विट का लाइफ स्पान फिर से बता रहा हूँ सेवन टू एट ही मंथ का होता है तो एक ही बार में मतलब कि एक बार में प्लांट के अंदर फ्लावर आते हैं और वो मर जाते हैं like, लाइक उसको बोलते हैं मोनोकार्पिक प्लांट्स लाइक like, एग्जांपल एक, एक एक्स्ट्रा एग्जांपल एक की बात करें लाइक like, बेंबू स्पीसीज जो एक्चुअली बम्बूसा टोल्डा स्पीसीज के अंदर देखने को मिलता है फ्लावर्स ओनली वन देयर लाइफ मतलब एक ही बार उसके अंदर फ्लावर आता है पूरे लाइफ के अंदर यूजुअली आफ्टर फिफ्टी टू हंड्रेड ईयर हमें ऐसे एग्जांपल भी मिले जहाँ पचास से सौ साल के अंदर एक बार फ्लावर आता है दे प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स एंड दे डाई और उसके बाद वो मर जाता है नेक्स्ट बात करें uh, स्ट्रॉबी लेंथस uh, कुंथीना तो या या, याद रखना फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड मतलब एग्जांपल है स्ट्रॉबी लेंथस uh, कुंथियाना uh, उसका जो सिंपल नेम है वो है नीला कुरंथी तो फ्लावर वंस इन ट्वेल्व ईयर बारह साल में एक बार आता है ये फ्लावर फ्रेंड्स याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है स्ट्रॉब लेंथस कुंथी आना जो उसका जो कॉमन नेम है नीला कुरंथी जो एक्चुअली लास्ट टाइम लास्ट टाइम जो यहाँ पर ये प्लांट का फ्लावर दिखा था सितंबर अक्टूबर 2006 में लास्ट टाइम उसका जो फ्लावर था वो दिखा था 12 ईयर के बाद उसका फ्लावर आता है वो आ, केरला और कर्नाटका और तमिलनाडु के अंदर देखने को मिलता है तो इट इज़ अ मोनोकार्पिक प्लांट्स ऐसे कुछ पॉलीकार्पिक प्लांट भी होते हैं लाइक दिस प्लांट आर पेरीनियल बहुत लॉन्ग टाइम मतलब जीते हैं एंड फ्लावर रिपीटेडली एट इंटरनल इंटरवल एवरी ईयर मतलब एक ईयर के इंटरवल से उसका सीजन जब आता है तब उसके अंदर फ्लावरिंग होता है लाइक एप्पल मैंगो ऑरेंज तो कभी कभी आपने मैंगो में देखा होगा कि एक इंटरवल के बाद उसके अंदर फ्लावर होता है वो सीजनल होता है तो लाइक इट इज़ कॉल्ड एज ए इंटरवल एवरी ईयर मतलब पॉलीकार्पिक प्लांट उसको बोलेंगे हम कि बार बार उसके अंदर फ्लावर आते रहते हैं सीजन के जब भी सीजन आता है उसका फ्लावर आता रहता है और फ्रूट भी आते हैं तो वेरी फ्यू पेरिनटियल पेरिनियल प्लांट्स यहाँ पर पेरिनियल बोल रहा हूँ फ्रेंड्स याद रखना वेरी फ्यू पेरिनियल प्लांट्स हैव अ फ्लावर थ्रू आउट द ईयर पूरे साल में उसके फ्लावर आते रहते हैं एग्जाम्पल चाइना रोज हम उसको बोल सकते हैं एग्जाम्पल तो यहाँ पर मैंने कुछ अलग सा आ, आपको ये टॉपिक बताया है जो एक्चुअली थोड़ा सा कनेक्टेड है सेक्सुअलिटी से क्योंकि उसके अंदर कैसे फ्लावरिंग होता है लाइक इसी लिए मैंने यहाँ पर आपको आगे भी मैंने आपको बताया कि कैसे फ्लावरिंग होता है कैसे सेक्सुअलिटी होती है प्लांट के अंदर और यहाँ पर भी मैंने थोड़े अलग से लाइफ स्पान और दो टाइप मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक मैंने आपको बताया आपको बेहद ही पसंद आया होगा आपको बहुत सारा नॉलेज भी मिल गया होगा आ, तो आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो मेरे मेल के ऊपर मेल भी कर सकते हो तो ये फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए लाइक like कर दीजिए शेयर कर दीजिए कमेंट्स कर दीजिए मेरा मेल आईडी है मिवाड़ा मनीषू एट द रेट जी मेल डॉट कॉम वहाँ पर आप मेल कर सकते हैं और मुझे व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप के लिए मुझे मेल कीजिएगा आपका नाम पूरा नाम आ, आपका मोबाइल नंबर व्हाट्सअप नंबर सिटी नंबर और स्कूल नंबर मैं आपको व्हाट्सअप पर भी ऐड कर दूंगा। तो थैंक यू सो मच नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा